हेलो एवरीवन तो कैसे हो सब लोग तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स का लेक्चर नंबर टू क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स का जो है हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज एंड फील्ड ठीक है दिस इज लेक्चर नंबर टू और लेक्चर नंबर फर्स्ट हमने इससे पहले के वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन किया था तो जिन्हें लेक्चर नंबर फर्स्ट नहीं देखा है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप जाके पहले लेक्चर नंबर वन देखिए एंड देन आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में जो हमारा आज का टॉपिक है वो है कूलम्स लॉ ठीक है कूलम्स कूलम्स लॉ ठीक है आज हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ देखिए इससे पहले वाले जो वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था कि दो लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं रिपल करते हैं और अनलाइक चार्ज दूसरे को क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं जब हमने चार्जिंग प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो लाइक like चार्ज रिपल करते हैं और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं तो कितने अमाउंट तक रिपल्सन होगा कितना अमाउंट तक अट्रैक्शन होगा तो उसके लिए कुलम्स ने एक लॉ दिया था जिसको बोलते हैं कुलम्स लॉ कुलम्प्स ने अपना लॉ ही दिया था कि द मेजरमेंट ऑफ फोर्स मेजरमेंट ऑफ फोर्स का मतलब जो फोर्स दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसके मेजरमेंट के लिए कुलम्स ने लॉ दिया था उसी लॉ को हम बोलते हैं कुलम्स लॉ और इनका फुल नेम था चार्ल्स अगस्टिन ठीक है डी कुलम जो चार्ज की यूनिट है वो इन्हीं के नेम है चार्ल्स अगस्टिन डी कुलम इन्हीं के नेम पे उसकी यूनिट है ठीक है तो कुलम्स लॉ क्या बताता द मेजरमेंट ऑफ फोर्स क्या बता मेजरमेंट ऑफ फोर्स बिटवीन मेजरमेंट ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल ठीक है भाई दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो मेजरमेंट ऑफ फोर्स होगा उसके लिए कुलम्स ने लॉ दिया था कि कैसे दो चार्ज पार्टिकल के बीच में हम फोर्स का मेजरमेंट करेंगे कितने अमाउंट तक अट्रैक्शन होगा चार्ज पार्टिकल के बीच में कितना अमाउंट तक रिपल्सन होगा तो उसके मेजरमेंट के लिए जो लॉ दिया था उसी को हम बोलते हैं कुलम्स लॉ ठीक है अब उन लॉमोस ने में क्या कहा था देखिए नॉर्मली दो चार्ज पार्टिकल है ठीक है दिस दिस इज इज फर्स्ट पार्टिकल Q1 एंड Q2 ठीक है दोनों को आर डिस्टेंस से सेपरेट कर रखा है दोनों को जो बीच का सेपरेशन है वो क्या है आर है तो कुलम्स ने कहा कि जो द लॉ ऑफ अकॉर्डिंग टू दिस लॉ देखिए अकॉर्डिंग दिस लॉ दिस लॉ के अकॉर्डिंग क्या स्टेटमेंट दिया था उन्होंने कहा था कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपलसन द इलेक्ट्रोस्टेटिक बोल सकते हैं ठीक है द इलेक्ट्रोस्टेटिक द इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन द इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन एंड रिपल्सन एंड रिपल्सन द इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ठीक है इलेक्ट्रोस्टिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल ठीक है बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दियर प्रोडक्ट ठीक है एंड inversely proportional to and inversely proportional inversely proportional to distance square of distance between them square of distance between them ये उन्हें अपने लॉ में एक्सप्लेन करा था स्टेटमेंट ये दिया था कि द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन द इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल देखिए भाई यहाँ अट्रक्शन भी हो सकता है रिपल्सन भी हो सकता है देखिए अगर लाइक like चार्ज दोनों चार्ज पार्टिकल अगर जो होंगे हमारे लाइक like चार्ज होंगे प्लस प्लस होंगे माइनस माइनस होंगे तो रिपल्सन होगा एंड अपोजिट नेचर के होंगे एक प्लस और एक नेगेटिव का होगा तो क्या होगा रिपल्सन होगा तो कुल्स ने कहा कि द इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन चार्ज पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड दियर प्रोडक्ट दोनों चार्ज पार्टिकल के 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 प्रोडक्ट प्रोपोर्शनल होगा एंड प्रोपोर्शनल होगा उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के ठीक है तो इन मैथमेटिकल वे एक्सप्लेन लॉ को ठीक है मैथमेटिकल वे में उन्होंने कहा दोनों का प्रोडक्ट हो गया ठीक है एंड सेकंड केस में उन्होंने कहा कि एफ डायरेक्ट इनवर्सली प्रश्न होगा वन अपॉन आर का स्क्वायर दिस इज डिस्टेंस देखिए भाई यहां पर इसका मीनिंग क्या हुआ अगर डिस्टेंस इंक्रीज हो गया अगर डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो फोर्स क्या होगा डिक्रीज होगा अपकोर्स अगर चार्ज पार्टिकल को बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में प्लेस करते जाएंगे डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा उनका जो फोर्स uh, है जो उनके बीच में एग्जिस्ट कर रहा है वो क्या होगा डिक्रीज होते जाएगा ठीक है एंड वाइस वर्सा तो इन दोनों लोगों को जब कॉम्बाइन किया गया ऑन कॉम्बाइनिंग ऑन कॉम्बाइनिंग जब दोनों लोगों को कॉम्बाइन किया तो यहां से क्या मिलेगा लेगा एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर का स्क्वायर ठीक है प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर हटेगा तो यहां पर क्या आता है कॉन्स्टेंट के तो के इक्वल टू क्या आएगा क्यू वन क्यू टू ठीक है अपॉन आर का स्क्वायर ठीक है ये हो गया हमारा कुलम लॉ ठीक है फिर के क्या है हमारा के है प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट

तो एफ इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपन आर का स्क्वायर आया तो इसके बाद क्या होगा भाई इसके की वैल्यू जो के की वैल्यू थी के था प्रपोजी कांस्टेंट उसकी वैल्यू थी वन अपॉन फोर पाई एप्सल एन नॉट ठीक है के की वैल्यू वन अपन फोर पाई एपसेल एन नॉट वेर जो मैथमेटिकल वैल्यू जो कैलकुलेटेड वैल्यू इसकी आई थी वो थी नाइन इंटू टेन की पावर इन ठीक है इसकी यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम स्क्वायर ये अपॉन के की वैल्यू है भाई जो के की वैल्यू है वो किसके इक्वल है यह कॉन्स्टेंट है और उस कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या बताई थी कुलम ने वो कॉन्स्टेंट की वैल्यू बताया उन्हें वन अपॉन फोर पाई एपस नॉट जिसकी वैल्यू जो होती है नाइन इंटू टेन की पावर नाइन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम स्क्वायर यूनिट हमने यहां से निकाली भाई के की यूनिट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा एफ इंटू आर स्क्त न्यूट्रन इंटूमी स्क्वायर प्रोडक्ट कहा जाएगा के वैल्यू आई थी तो ये epsilon क्या था परमिटिविटी इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं ठीक है होता है टू परमिट ठीक है तो परमिटिविटी क्या बताती है मैं बताती है कि, कि किस मीडियम में कितना, तो कि कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो रहा है एग्जिस्ट हो रहा है डिफरेंट मीडियम के लिए परमिटिविटी होगी वो हमारी क्या होती है डिफरेंट होती है तो परमिटिविटी क्या होती है तो परमिटिविटी हमें किसी मीडियम में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट होगा उसके बारे में हमें फॉर्मेशन देती है ठीक है और एफ्साइड नोट की वैल्यू जो बताई थी नोट की कैलकुलेटेड वैल्यू जो आती है जो एट पॉइंट एट फाइव इंटू टेन की पावर माइनस ट्वेल्व अभी फर्दर जो आगे की वीडियो होंगी पर एक्सप्लेन करूंगा कि इसकी वैल्यू कैसे आई थी एट पॉइंट एट फाइव इंटू टेन की पावर माइनस ट्वेल्व इसकी यूनिट होगी वो हो, क्या हो जाएगी भाई यूनिट निकालेंगे अभी इसके देखिए यूनिट कैसे निकालता है इसकी ओके अब एफसाइड नोट की यूनिट निकालना देखता है ठीक है तो यूनिट क्या होगी देखिए एफ इक्वल टू अब कुलम्स लो कंप्लीट फॉर्म में लिखेंगे इसको यहां पुट कर दीजिए एफ इक्वल टू वन अपॉइन फोर पाई एफसेलाट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर का स्क्वायर दिस इज अवर कुलम्स लॉ यूनिट क्या होती है फोर्स की न्यूटन ठीक है अब एफसेन नॉट की यूनिट देखिए कैसे निकालेंगे एफ देखिए भाई एफ की यूनिट क्या होती है न्यूटन ठीक है वन अपॉइंट फोर बाई की यूनिट नहीं होती है ठीक है फोर बाई कॉन्स्टेंट होता है कॉन्स्टेंट की कोई यूनिट नहीं होती है वन अपॉइंट एफसेलाइन नॉट को ऐसे लिख दिए स्क्य आर का जाएगा मीटर का स्क्वायर तो इसकी यूनिट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा को ऊपर ले जाएंगे तो क्या यूनिट क्या होगी तो इसकी यूनिट होगी कुलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर ऐसे निकालते हैं इस यूनिट को ठीक है इसके बेस पर इसका डायमेंशनल फॉर्मुला फाइंड कर सकते हैं देखिए एफ्सर नोट का जो डायमेंशनल फॉर्मुला होगा सी कुलम हुआ कुलम क्यू की डायमेंशन फॉर्मा क्या होता है एटी का स्क्वायर अपॉन न्यूटन फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मा क्या होता है एम एल टी माइनस टू एम एल टी माइनस टू एंड मीटर स्क्वायर तो डिस्टेंस का है तो एल का स्क्वायर हो गया ओके okay? तो इसको यहाँ से देखिए इनको ऊपर ले जाएंगे तो क्या मिलेगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर एम एल का क्यूब टी माइनस टू ठीक है इनको ऊपर ले जाएंगे तो क्या मिलेगा भाई एम माइनस वन ओके एल की पावर क्या हो जाएगा माइनस थ्री टी की पावर माइनस माइनस थ्री प्लस फोर माइनस टू पड़ जाएगा और का स्क्वायर दिस इज डायमेंशनल फॉर्मुला ऑफ एपसाइल एंड नॉट ठीक है तो के कुलम्स लॉ क्या हुआ हमारा कुलम्स लो वाइफ इक्वल टू वन अपॉन फोर बाई एफ एंड नॉट क्यू वन इंटू क्यू टू अपॉन आर का स्क्वायर दिस इज यम्स लॉ ठीक है तो कुलम्स लॉ के भाई कुछ लिमिटेशन हैं लिमिटेशन पढ़ते हैं ठीक है ऑफ लॉ ठीक है लिमिटेशन पड़ता है देखिए पहला जो ये हमारे Q1 और Q2 होगा ये जो है हमारे से दो चार्ज पार्टिकल थे हमारे यहाँ पर था Q1 वन एंड दिस इज अवर Q2 ठीक है तो ये इसके बीच इस की डिस्टेंस क्या आती है यार तो ये जो चार्ज पार्टिकल है तो जो पहला लिमिटेशन है इट इज अपलीकेबल फॉर ये केवल पॉइंट चार्ज के लिए अपलीकेबल होता है भाई पॉइंट चार्ज क्या हुआ पॉइंट चार्ज का मतलब हुआ कि जो ये स्पेयर है जो ये है, चार्ज स्पेयर है इनका साइज जो इनकी जो रेडियस होगी वो इस बीच की जो डिस्टेंस है उसके कंपेयर में क्या होनी चाहिए बहुत कम होनी चाहिए तो पहला जो लिमिटेशन है इट इज अपलीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्ज ठीक है इट इज अपल ओनली फॉर पॉइंट चार्ज ठीक है यह केवल पॉइंट चार्ज के लिए अप्लीकेबल होता है पहला जो इसकी लिमिटेशन है पॉइंट चार्ज का मतलब अगेन एक्सप्लेन कर रहा हूं जो ये चार्ज डिस्पेयर है जैसे मान लीजिए अगर यहां से यहाँ की बीच की जो डिस्टेंस है वो टेन है टेन सेंटीमीटर है तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए फाइव मतलब कि इसके कंपेयर में जो बीच के डिस्टेंस है उसके कंपेयर में जो चार्ज पार्टिकल है इनकी जो रेडियस होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए बहुत कम होनी चाहिए तो ये लिमिटेशन है इसकी पहली लिमिटेशन इस से इट इज़ अपलीकेबल ऑनली फॉर पॉइंट चार्ज जो कुलम स्लो है वो केवल पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल होगा उस केस में अप्लाई नहीं होगा जब चार्ज जो स्फेयर है इनकी रेडियस बहुत बड़ी होगी इन कंपेरिजन टू डिस्टेंस बिटवीन देम तो इससे पहली लिमिटेशन हो गई एंड सेकेंड लिमिटेशन है इट इज शॉर्ट रेंज फोर्स ये केवल शॉर्ट रेंज शॉर्ट रेंज के लिए अप्लाई होगा ठीक है ये शॉर्ट रेंज फोर्स ये शॉर्ट रेंज फोर्स है ठीक है मतलब शॉर्ट रेंज के लिए अपलिकेबल होगा मतलब अगर इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं होगी एक फिक्स डिस्टेंस तक क्या होगा ये अपलीकेबल होगा ठीक है तो लिमिटेशन हो गई कुलम्स लॉ की तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट एंड रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं इसको रिलेटिव परमिटिविटी ठीक है ओके okay, देखिए डायरेक्टिक कॉन्स्टेंट क्या होता है नॉर्मली जो हमारा कुलम से लॉ था एफ इक्वल टू क्या होता है वन अपॉन फोर पाई एपसेल एन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर का स्क्वायर ठीक है तो ये जो लॉ है हमारे यहाँ पर देखिए वन अपॉन फोर पाई एपसेल एन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर ये जो फॉर्मूला है ये तब अपलीकेबल है जब हमारे चार्ज पार्टिकल क्यू वन एंड क्यू टू यह हमने किसी वैक्यूम में प्लेस कर रखे हैं ठीक है थीके? यहां पर जो हमने लॉ लगाया क्योंकि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस फ्री स्पेस कहे तो वैक्यूम ठीक है वैक्यूम भी बोल सकते हैं तो ये वैक्यूम है ये चार्ज पार्टिकल हमने क्या रखा है वैक्यूम में प्लेस कर रखे हैं ठीक हो गया अब नॉर्मली जो डायरेक्टिक कॉन्स्टेंट होता है वो एक रेशियो होता है देखिए कैसे Q1, Q2 हमारे दो चार्ज पार्टिकल है इनको वैक्यूम में प्लेस कर रखा है तो F वैक्यूम में जो इन पर जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा ये लगेगा ठीक है इसको हम वैक्यूम लिख देते हैं ठीक है ये हो गया हमारा ठीक हो गया वो एफ वन अपन फोर फाइव सेवन नॉट क्यू वन क्यू टू अपन आर का स्क्वायर ठीक है सेकंड केस में अगर यही चार्ज पार्टिकल ये दोनों चार्ज पार्टिकल अगर हम किसी मीडियम में प्लेस कर देते हैं ठीक है अब हमें नहीं पता उस मीडियम की परमिटिविटी क्या होगी देखते हैं आगे को यह हमारा क्यू वन एंड क्यू टू ठीक है इसको हमने किसी मीडियम में प्लेस कर रखा है ठीक तो इस केस में क्या लगेगा इस केस में जो फॉर्मूला आएगा एफ मीडियम में प्लेस करने पर वन अपॉन फोर पाई एफसेल एन आएगा भाई यहां पर अब नॉट नहीं आएगा एप्सिलॉन का मतलब क्या हुआ ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम है एंड दिस इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ये परमिटिविटी है फ्री स्पेस की एंड दिस इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम ठीक है तो वन अपॉन फोर बाई एफसेल एन Q1 Q2 क्यू टू अपॉन आर का स्क्वायर ठीक है और इसके बाद देखिए हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं डिवाइड करेंगे तो ये और ये चीज क्या हो जाएगी कैंसिल ओके okay, ये और ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल तो हमें क्या मिलेगा ऐसे देखिए वी हैव गेट F वैक्यूम ठीक है अपॉन F मीडियम F वैक्यूम अपॉन F मीडियम इक्वल क्या मिलेगा ये एफ ऊपर जाएगा ठीक है

ठीक हो गया रिलेटिव परमिटिविटी ओके तो ये आया हमारा फॉर्मूला के इक्वल टू क्या होता है के या एफसेल एन आर के और देखिए भाई के और एफसेल एन आर इक्वल टू क्या आएगा एपसेल एन अपन एप्स एन नॉट ठीक है एपसेलिन क्या है परमिटिविटी ऑफ ये है हमारे मीडियम की ठीक है परमिटिविटी है मीडियम की और ये क्या है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और परमिटिविटी क्या होती है परमिटिविटी किसी मीडियम की प्रॉपर्टी होती है जो हमें तो यह हमारी क्या हो गई परमिटिविटी और डायलेक्टिक कांस्टेंट हो गया ओके कांस्टेंट हो okay? होता हमारा तो k है हमारा के तो के इक्वल अपॉन एफ सेलेन नॉट इन टू एफ ऑफ वैक्यूम वैक्यूम अपॉन एफ ऑफ मीडियम ठीक है ओके okay, तो जो इसकी वैल्यू आएगी भाई मीडियम ठीक है जो के की वैल्यू होती है वो डिफरेंट मीडियम के लिए क्या होती है डिफरेंट होती है जैसे के की वैल्यू भाई के की वैल्यू जो होती है हमारी वैक्यूम के लिए वैक्यूम के लिए जो के की वैल्यू होती है वो कितनी होती है वन होती है ठीक है के की वैल्यू एयर के लिए फॉर एयर वो होती है हमारी वन पॉइंट जीरो जीरो वन पॉइंट जीरो जीरो कितनी होती है फाइव फोर बट क्या लिख लेता हूँ उसको वन लिख लेते हैं एंड जो के की वैल्यू होती है के की वैल्यू फॉर किसके लिए फॉर वाटर के लिए की वैल्यू क्या होती है एट्टी होती है ठीक है तो डिफरेंट मीडियम के लिए हमारी क्या हो गई के की वैल्यू हो गई ओके थैंक यू